हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हमारा 3-4 दिन से जो चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है CET एग्ज़ाम के बारे में, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर NRE जो है हमारी, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका भी हाल में गठन किया गया है। तो ये क्या काम करेगी, आपके किन एग्ज़ाम्स की जगह इस एग्ज़ाम को लाया गया है और ये एग्ज़ाम कितने साल के लिए वैलिड होगा, साथ ही इस एग्ज़ाम के लिए हम कैसे प्रिपरेशन किया, अगर आप आज से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा और ये सारी चीज़ें आज हम इसको समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्या था कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री यानी कि प्रकाश जावड़ेकर ने 19 अगस्त 2020 को इसके बारे में मैंने कैसे लॉन्च किया इस योजना को, या आप कह सकते हैं कि जो NRE इसका गठन करके ये CET एग्ज़ाम के बारे में सबको बताया। देखिए, न्यूज़ चैनलों में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इसके बारे में पता चला होगा, लेकिन उन्होंने टोटल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। देखिए, क्या NRE यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है हमारा। हम सबसे पहले समझते हैं NRE हमारा है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ती थी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ में ये सारी चीज़ें बातें कही गई थी। NRE इज़ अ मल्टी एजेंसी बॉडी विच विल इनकम्पास द फर्स्ट लेवल टेस्ट बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRBA एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पर्सनल यानी IBPS। द CET विल स्क्रीन और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप BC यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट। NRE शैल कंडक्ट सेपरेट CET ईच फॉर द 3 लेवल्स ऑफ ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी यानी 12th pass एंड द मेट्रिकुलेट यानी 10th pass कैंडिडेट्स फॉर दोज नॉन टेक्निकल पोस्ट टू विच रिक्रूटमेंट इज प्रेजेंटली कैरीड आउट बाई SSC, RBBS एंड बाई RBPS। यानी कुल मिला के ये कि जो NRE का हमारा गठन किया गया, NRE जो कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, तो NRE जो है जो बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स होते हैं, या कह सकते हैं जैसे कि आप अगर बात करें जो हमारे रेलवे में जो पहला एग्ज़ाम होता है तो फेज़ 1 होता है, SSC में Tier 1 होता है और IBPS का प्रीलिम्स होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो होंगे फर्स्ट लेवल वाले, ये सारे एग्ज़ाम जो होगा वो NRE करवाएगा और इस एग्ज़ाम का नाम दिया गया है CET। साथ ही क्या है, CET जो होगा बेसिकली स्क्रीन टेस्ट होगा आपका एक तरह से, वो सभी स्टूडेंट को आप शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा आपके सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। ये जब मैं फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा तो आपसे सेकेंड लेवल के लिए जितने भी आपके RRBA और SSC IBPS है, फिर ये जो नॉर्मली पहले करते थे उनके लिए था। बेसिकली जो NRE है ये जो है केवल आपके जो गवर्नमेंट वाले, यानी कि आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी आपके जॉब्स होती हैं उनके लिए सारी एग्ज़ाम आपका करवाता है। लेकिन अगर बात करें स्टेट एग्ज़ाम के लिए, तो स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो एज़ जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे, यानी उसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं। जैसे कि आप UPSC अगर PSC की बात करें तो उसमें जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। साथ ही आप UP SSC अगर आप UP से हैं, यानी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो एज़ पहले की तरह ही होंगे। बस ये है कि आपके जितने गवर्नमेंट वाले, यानी कि केवल 3 एग्ज़ाम की हम बात करें, यानी SSC, IBPS और RRBA के। अब देखिए होगा क्या, फर्स्ट टेस्ट जब आपका CET होगा इसमें लिया जाएगा आपसे, इसमें होगा बेसिकली कि आपको एक बार ही एक फॉर्म फिल करना होगा, उस फॉर्म में आपकी सिर्फ एक बार फीस लगेगी और आप क्या होंगे इन तीनों एग्ज़ाम यानी SSC, IBPS और RRBA, यानी SSC वाला और बैंकिंग और प्लस रेलवे, इन तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में जो और भी सारे आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो एग्ज़ाम यानी SSC, IBPS, RRBA, क्या अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, केवल हम CET देना पड़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये CET जो केवल आपका Tier 1 या आप कह सकते हैं इसका फेज़ 1 ही कराएगा। इसके बाद में जो पूरा आपका जो काम है यानी कि SSC, IBPS, RRBA, बाकी के जो सेकेंड लेवल, जिसका सेकेंड है तो सेकेंड वाला करवाएगा, जिसकी में अगर सेकेंड लेवल इंटरव्यू होता है तो उसे इंटरव्यू करा देगा। और ये बेसिकली जो ग्रुप BB और ग्रुप CC के लिए है और ग्रुप DD के लिए ये नहीं है, केवल कुछ पोस्ट के छोड़कर, ठीक है। अब देखिए ये जितना भी हमारे लिए व्यवस्था की गई है तो इससे क्या है, एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी राहत भी है। कैसे, इसके क्या फ़ायदे हैं सबको भी जान लेते हैं। देखिए क्या, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें टोटल 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ युवाओं को इसमें लाभ मिलेगा हर साल। ये हर साल की बात की जा रही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हर साल जो है 2.5 करोड़ युवाओं को इससे लाभ मिलेगा।
दूसरे चीज़ के तीन पोस्ट के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, यानी आपको सिर्फ एक बार तैयारी करनी होगी, एक ही टाइप की आपको सिलेबस पढ़ना होगा और आप सिर्फ इन तीनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा आप जैसे वर्तमान में हैं तो आप क्या करते हैं कि आप बैंकिंग के अलग प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग अलग जाते हैं, रेलवे के लिए अलग चीज़ तैयारी करते हैं, तो अब क्या होगा आपको सिर्फ एक प्रिपरेशन करनी होगी और आपका एक एग्ज़ाम जो होगा क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको एक सेंटर मिलेगा, यानी कि आपको इन तीनों एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ एक ही सेंटर मिलेगा, आप एक सेंटर में तीनों एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही एक अच्छी बात ये भी कि आपको जो सेंटर होगा आपको अपने ज़िले में मिल जाएगा, यानी आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए सरकार ने टोटल जो है हर राज्य में 1000 सेंटर बनाने की घोषणा की, यानी हर जगह एक सेंटर मिलेगा जिससे आपको आसानी होगी आने जाने में। और नेक्स्ट चीज़ है कि एक बार फीस देनी होगी, यानी आपके जब एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं तीन जॉब्स के लिए तो आपको सिर्फ एक बार फीस देनी होगी। साथ ही है कि साल में ये एग्ज़ाम जो है दो बार होगा, तो इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको तीन एग्ज़ाम, पहले आपको क्या बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती थी, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म डालने होते, तो अब आपको क्या सिर्फ एक बार ही देना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है आपको ट्रैवल, यानी आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी कि आपको हो सकता है 4 दिन बाद आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, या उसके बाद फिर जस्ट 2 दिन बाद आपका जो आपका SSC का एग्ज़ाम हो गया और फिर आपको बस भागना आना पड़ा है ना, तो ये जो आने जाने वाली दिक्कत आपकी जो ट्रैवल जो हो रहा है, आपके ट्रैवल जो कम हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ एक जगह एग्ज़ाम हो जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपकी जो एग्ज़ाम क्लैश की प्रॉब्लम होती थी, यानी कि ऐसा होता था कि कई बार एक ही डेट को आपके 2 एग्ज़ाम पड़ जाते, तो आपको तब उस कंडीशन में सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ता था, एक आपको छोड़ना पड़ता था, तो अब क्या होगा कि ये जो एग्ज़ाम क्लैश की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है कि 2 साल पहले की बात है, जब मैं अपना जो टीचिंग डिप्लोमा कर रही थी और उसी टाइम पर जो CGL का भी एग्ज़ाम था और दोनों एग्ज़ाम जो मेरे सिर्फ एक दिन पड़ गए थे, तब उस कंडीशन में मुझे अपना एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा। तो बस वो कंडीशन जो है हर साल हर स्टूडेंट के साथ अब तक होती रही है, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर सॉल्व आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब आपके मैं कुछ उन सवालों को लेती हूँ जो आपके मन में अभी उठ रहे होंगे कि अब क्या कैसी चीज़ें होंगी। देखिए, पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एग्ज़ाम होंगे कब से स्टार्ट, तो देखिए याद रखिए ये एग्ज़ाम जो हमारा नेक्स्ट ईयर यानी 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने होंगे, यानी हम इस CET एग्ज़ाम को कितनी बार अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, ये अनलिमिटेड है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 4 बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं, आप जितनी बार चाहें इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके आता है कि साल में कितनी बार एग्ज़ाम होगा, साल में एग्ज़ाम 2 बार ही होगा, जैसे कि आपका CET का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है, इसी तरह से जो हम SSC के एग्ज़ाम भी कई बार हो जाते हैं, तो उसी तरह से जो CET का एग्ज़ाम है हमारे CET का एग्ज़ाम भी आपका 2 बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि वैलिडिटी क्या होगी, इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 साल के लिए होगी, यानी जैसे कि अगर आप 2021 में आपका CET एग्ज़ाम आता है और आप एग्ज़ाम देते हैं, तो 2021 में अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका 2022 के लिए भी और 2023 के लिए भी आपका यही जो एग्ज़ाम क्वालिफाई आपका माना जाएगा। और अच्छी एक बात, बहुत ही अच्छी बात ये है कि कई बार ये होता था कि जैसे आपने प्रीलिम्स या कह सकते हैं Stage 1 का जो एग्ज़ाम था आपने निकाल लिया, लेकिन अब Stage 2 का जो एग्ज़ाम था आप नहीं निकाल पाए, तो अब क्या होता था आपको नेक्स्ट ईयर क्या होता है, फिर से आप पूरी तैयारी करते थे, फिर से आप Stage 1 क्वालिफाई करते थे, Stage 2 क्वालिफाई करते थे, तो अब क्या होगा अगर आपने पहले साल ही Stage 1 कर लिया है, Stage 2 आप नहीं क्लियर कर पाए, तो अगले साल फिर से आपको Stage 2 की तैयारी सिर्फ करनी होगी, Stage 1 आपको नहीं करना होगा, क्योंकि ये 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। यानी अगर 3 साल के अंदर अगर आप नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम है Tier 2, Tier 3 वाले कर लेते हैं, Stage 2, Stage 3 वाले कर लेते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। ये लोगों के साथ बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो ये सबसे अच्छी बात है, यानी आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट हम पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि आपका स्कोर क्या होगा, यानी कि अगर आप बात करते हैं कि अभी तो इसका कुछ स्कोर के बारे में मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर आपके एक वजह से कि आपने 2021 में अपना एग्ज़ाम दिया, आपके उसमें आते 70 मार्क्स, अब आपने नेक्स्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया तब आपके क्या आ गए, तब आपके अगर 75 मार्क्स आ गए तो क्या होगा, तब आपका जो फाइनल स्कोर जो होगा, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो आप कौन सा वैलिड मानेंगे, तब उस कंडीशन में आपका 75 होगा। ये इसलिए क्यों नहीं होगा क्योंकि आपने करंट पे दिया होगा, ये इसलिए होगा
कि आपका जो हाईएस्ट मार्क्स नंबर रहा है, जैसे कि 70 या 75 में आपका जो हाईएस्ट वाला रहा है वो आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा, यानी हाई स्कोर विल बी योर फाइनल स्कोर। जैसे कि आप 3 साल का ले लीजिए, अब देखिए क्या होगा। देखिए अगर एक साल आपके कितने हैं, एक साल आपके 70 मार्क्स आ गए 100 में से, ठीक है, मान लीजिए 100, क्योंकि अभी कुछ ऐसा डिसाइड तो है नहीं कितने में होगा। सेकेंड ईयर आपके मान लीजिए आगे 65, थर्ड ईयर अगर मान लीजिए आपके आ गए 85, आपने हर साल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका क्या होगा फाइनल स्कोर, तो आपका फाइनल स्कोर यहाँ पे 85 हो जाएगा। यानी आप तीनों का साल का जो आपका मैक्सिमम निकलेगा, मैक्सिमम जो होगा वही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा, वहाँ पे तब आपका 65 नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात आ जाती है कि आपका जो बेस्ट होगा वो आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। नेक्स्ट डे इसे एग्ज़ाम का जो मोड क्या होगा, यानी ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, तो याद रखिएगा इसका जो एग्ज़ाम का मोड होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन कोई भी नहीं होंगे, सारे एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर बेस्ड या कह सकते हैं ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट डे ये कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों की कैटेगरी में आपके एग्ज़ाम आएगा। बस ये सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम की, जैसे कि एग्ज़ाम टीयर 1 किसी में हो सकता है, किसी में टीयर 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या केवल 2 टीयर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़, यानी कि 10th वालों के लिए एक अलग दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, 12th वालों के लिए एक अलग दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग होगा। यानी कि अगर आप हैं तो आप तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी अलग अलग दिन होगा, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप पे इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूज़न लग रही है जो मैंने आपको बताया है, तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अब देखिए बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है कि चलिए ठीक है, हमने ये सब जान लिया, सीटी एग्ज़ाम है क्या, इसके लिए पीछे ये इसे कंडक्ट कौन कराएगा, कौन सी संस्था करवाएगी, और इसमें क्या वैलिडिटी, सब कुछ हमने जान लिया। अब अगर बात करते हैं सिलेबस क्या होगा, देखिए अभी सिलेबस का कुछ ऐसा डिसाइड तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम की बात करें तो फिलहाल तो ये एग्ज़ाम केवल 3 एग्ज़ाम के लिए, यानी कि अभी केवल SSC और हमारा जो IBPS है इसके लिए, और जो 4th हमारा है RRB, केवल 3 के लिए है, अभी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। लेकिन हो सकता है ये अगले 1-2 सालों में टोटल 20 एग्ज़ाम्स के लिए भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी 3 एग्ज़ाम के लिए भी, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। तो अगर हम तीनों की बात करें तो इन तीनों में बेसिकली होगा ये कि जो कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सिलेबस में होंगे। जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करिए, आपका मैथ्स जरूर होगा, आपका GK GS जरूर होगी, रीजनिंग आपकी ज़रूर होगी। देखिए ये तीन जो टॉपिक है ये आपके लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके इस एग्ज़ाम में भी होंगे। दूसरा, अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो अपनी जो मैथ्स है, एक बेसिक मैथ जो होती है, एक एडवांस लेवल की मैथ जो होती है, एक ज़रूर तैयार कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन। साथ ही GK GS आपका करंट कंटिन्यू आप करते रहिए, अपनी जो स्ट्रेटेजी के हैं, जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और साथ ही जितनी भी सारी चीज़ें GK GS में आती हैं वो सब कुछ कर लीजिए। अपनी NCERT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपनी NCERT 6th to at least 10th क्लास तक आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग भी आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब बात आती है कि इंग्लिश या हिंदी क्या होगी, क्या ये लैंग्वेज आपकी आएगी एग्ज़ाम में। देखिए लैंग्वेज का भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर IBPS बैंक की बात करूँ तो हाँ, बैंक में तो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, SSC में भी लैंग्वेज आती है, लेकिन आपके अभी तक RRB में, यानी रेलवे एग्ज़ाम में कभी भी लैंग्वेज नहीं आई, ना तो हिंदी पूछी जाती, ना तो इंग्लिश पूछी जाती है। तो इसलिए अभी इस पर कुछ हम नहीं कह सकते कि हिंदी या इंग्लिश नहीं होगी, लेकिन बाकी के जो 3 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आप इन्हें ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, और आज से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होगा इस सभी एग्जाम देंगे, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे इसका जो सिलेबस है पूरी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, मैं इसकी प्रिपरेशन इसी चैनल पर कराना स्टार्ट कर दूंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को CET एग्ज़ाम के बारे में एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।